मैं शुरुआत से कह रहा था आपको, एक राह को चुन लीजिए और उस राह पे इतनी गजब की मेहनत करनी है कि ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि 80% बच्चे कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सर ग्रेड फेस्ट कब आ रही है, हम ग्रेड फेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें ग्रेड सेकंड करनी चाहिए? नहीं, यदि ग्रेड फेस्ट कर रहे हैं तो ग्रेड फेस्ट कीजिए, उसका भी विज्ञापन आने वाला है। हर भर्ती की अपनी संभावनाएं हैं और आप अपनी अंतर शक्तियों को पहचानिए। बार बार मैं चीजों को बोलता हूं, कब तक दूसरों की तरफ तलाशते रहोगे, कब तक किसी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखेंगे कि मैं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, आज टेलीग्राम पे मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा ऑडियो मैसेज यही था कि सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है, ठीक है, और एकदम सटीक हुआ कि आज अभी मैं क्लास से बाहर निकला, मुझे पता चला कि विज्ञापन आ गया। मैंने केवल एक संभावना जताई थी, एक कयास बताया था कुछ सूत्रों के आधार पे, और वो एकदम सही हुआ। अब सबसे बड़ी दुविधा आपके सामने ही आती है कि सर आपने कहा और वो चीज हो गई, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने कहा कि सेकंड ग्रेड का विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आ गया, लेकिन क्या आप इस सेकंड ग्रेड के विज्ञापन में, जो ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है और इसमें जो व्हाइट शब्द दिख रहे हैं, ये याद रखना, ये प्रकाश का प्रतीक है। हम सब व्हाइट ब्लैक बोर्ड हैं, लेकिन अपने आप को ये जो व्हाइट बनाने की प्रक्रिया है ना, इसमें जो वर्ड्स ये व्हाइट में लिखे हुए हैं, ये याद रखना है, गोल्डन अक्षर है। इनकी समझ बनाते हुए अपनी जिंदगी को सुनहरे रंगों से भरना है, और सुनहरे रंगों से भरने के लिए किसी एक विषय को चुनना है। वो हो सकता है आपका रिट कम थर्ड ग्रेड हो, वो सेकंड ग्रेड हो सकता है, वो स्कूल लेक्चर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यदि उस विषय में ठीक हैं, राजस्थान जीके आपका ठीक है, साइकोलॉजी आपका ठीक है, तो सेकंड ग्रेड से बढ़िया कोई भर्ती नहीं होती है। बड़ा फायदा ये होता है सेकंड ग्रेड से स्कूल लेक्चर बनने में, चाहे वो प्रमोशन हो चाहे कैसे भी हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर के वेतनमान में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, एक बहुत इक्वल सी नौकरी है, बहुत आरामदायक नौकरी है, और नौकरियां तो सभी आरामदायक होती हैं साहब, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद गवर्नमेंट जॉब सोना बन चुकी है, और यदि तुम इस सोने को प्राप्त नहीं कर पाए, याद रखना, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद यदि इतनी सारी भर्तियां तुम्हारे सामने हैं, 46,500 थर्ड ग्रेड है, 10,000 के आसपास आपके सेकंड ग्रेड है, और सेकंड ग्रेड हमेशा इतनी आती है। कई बच्चों ने कहा कि सर एसएसटी में इतनी सी वैकेंसी है।